केंद्र सरकार की घबराहट या छटपटाहट का कारण क्या है कि जैसे ही उच्चतम न्यायालय से इजाजत मिली, मुख्यमंत्री जी ने बता ही दिया है कि काम यहां पर लगभग पूरा हो चुका है, आंकड़े प्रकाशित होंगे और पूरे देश की नजर खुलेगी। अभी ही अनेक राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ने लगा है। विभिन्न राज्यों में लोगों के द्वारा, खास तौर से गरीब पिछड़ों के द्वारा ये आवाज उठाई जाने लगी है कि वहां भी जाति आधारित गणना कराई जाए। और स्वाभाविक रूप से जब अधिकांश राज्यों में जाति आधारित गणना की मांग उठेगी या वहां की सरकारें फैसला भी ले लेंगी, तो अभी तो केंद्र सरकार द्वारा कराई जाने वाली जनगणना जो है 2021 की, वो वही लंबित है जो 21 में होनी थी जनगणना। उस समय जो संविधान के प्राविधानों के तहत होनी है, कोरोना काल या विभिन्न कारणों से फिर कुछ केंद्र सरकार की भी अधिक रुचि नहीं दिख रही है इस काम में, वो बढ़ता चला रहा है। और जब 2021 की जनगणना ही अभी तक नहीं हुई है, तो स्वाभाविक रूप से अगर सभी राज्यों में मांग उठेगी और राज्य सरकार दबाव में आएगी, तो नतीजतन केंद्र सरकार भी दबाव में आएगी और उनको पर भी दबाव बढ़ेगा कि 2021 वाली लंबित चली आ रही जनगणना का कार्य ही जाति आधारित कराया जाए, जिसकी मांग बिहार विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव के द्वारा दो दो बार किया जा चुका है। तो यह फिर पुनः एक बार बिहार के तरफ से जो पहल किया गया था, ये उसको ताकत मिलेगी। उनकी घबराहट इसी सब से कि आखिर भाजपा के नेता केंद्र सरकार के इस कदम पर चुप क्यों है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि भाजपा में तो एक से एक बयानजीवी नेताओं की फौज है। एक एक मुद्दे पर एक ही दिन में 5-5 लोग बयान देते हैं, आप लोग दिखाते भी हैं, छापते भी हैं, लेकिन इस मुद्दे पर, केंद्र सरकार के इस कदम पर किसी भाजपा नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है कि भाई हम लोग तो समझना चाहते हैं कि आखिर केंद्र सरकार के इस कदम पर भाजपा नेताओं की क्या राय है। और मतलब तो सीधा है कि केंद्र सरकार किसी न किसी रूप में अरंगा डाल रही है और नीतीश कुमार की इस दूरगामी प्रभाव वाले फैसले को सफल होते देख बेचैनी है। आखिर बेचैनी नहीं है तो छाती ठोक कर फैसले लेने वाली मोदी सरकार इस मामले पर इतना निसहाय, बेसहारा, अनिर्णय की स्थिति में कैसे है? यह तो अनिर्णय की स्थिति ही बताती है कि केंद्र सरकार कितनी परेशानी में है, समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या करें। इधर बिहार सरकार दिन ब दिन सफल हो रही है और जो हर जात के, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बराबर कहा है, यह तो न सिर्फ यह सिर्फ गणना नहीं है, हर जात के लोगों के संख्या की गणना भी है और उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन भी है। उनके लिए फिर से एक बड़ी ही असहज स्थिति उत्पन्न होने वाली है।
पहले तो उन लोगों ने अपने एजेंटों के माध्यम से इसको पीआईएल के माध्यम से लोकहित याचिकाओं के माध्यम से रोकना चाहा, वो नहीं रुका तो अब सीधे केंद्र सरकार सामने कूद गई है। अब देखें अगले हफ्ते क्या कहना है, न पक्ष में कहेंगे न विपक्ष में कहेंगे, लेकिन कुछ कहेंगे, देश देखेगा क्या कहना है।